देखिए, मेरा नाम राकेश बजरंगी, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन जो है पाकिस्तान के खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कल शाम को गुलमर्ग के बोधा पथरी के इलाके में, जो नगीन में पड़ता है, वहां पर आतंकवादियों द्वारा गाल लगाकर हमला किया गया। इस हमले में दो पोर्टर और दो हमारे सेना के जवान जो हैं वो शहीद हो गए और तीन जवान जो हैं वो घायल हैं, जो उपचार जिनका उपचार जो है वो हॉस्पिटल में चल रहा है। जब से ये सरकार चुनकर आई है, लगातार आतंकवाद का ग्राफ कश्मीर के अंदर बढ़ा है, चाहे वो टारगेट किलिंग हो। कल टारगेट किलिंग भी जो है वो कश्मीर के अंदर की गई, लेकिन उसके अंदर जो युवक है शुभम वो बच गया। इस प्रकार की घटनाएं जो है वो कश्मीर के अंदर अब लगातार बढ़ रही हैं। अब एलजी सरकार और यहां की चुनी हुई सरकार को इसके ऊपर सख्त रवैया जो है वो अपनाना पड़ेगा। इस पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब जो है वो देना पड़ेगा, क्योंकि ये सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस ये एलजी के अधीन है, तो इसलिए जिम्मेवारी जो है वो एलजी साहब को लेनी पड़ेगी। सरकार जब से चुनकर आई है, कहीं ना कहीं इनके एजेंडे से भी उनको शह मिलने का काम जो है वो हो रहा है। अभी फारूक अब्दुल्ला ने भी अपनी टोन थोड़ी चेंज की है, उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं सभी नेताओं को एक साथ मिलकर, सरकार के साथ मिलकर जो है इस आतंकवाद को कश्मीर से समाप्त करना पड़ेगा। अब और सैनिक जो है हम शहीद नहीं होने देंगे। हम सरकार से अपील करते हैं कि सरकार इन सैनिकों की शहादत का बदला जो है वो पाकिस्तान से ले। बार बार हम प्रदर्शन करते हैं, बार बार हम सरकार को चेताते हैं, लेकिन सरकार इसके ऊपर कोई भी एक कड़ा निर्णय जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लेती। तो अब निर्णय सख्त लेने पड़ेंगे, इस आतंकवाद का सफाया जो है वो पाकिस्तान से करना पड़ेगा। यह सरकार को हम आज कहना चाहते हैं।